अनूपपुर जिले के बिजूरी थाना अंतर्गत कपिलधारा कॉलोनी में से एक चार पहिया बोलेरो वाहन घर के सामने से चोरी होने के मामले में पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया। राजकुमार त्रिपाठी का वाहन कुछ दिनों पहले चोरी हो गया था, जिस पर पुलिस में शिकायत की गई थी। पुलिस द्वारा बोलेरो वाहन चोरी करने वाले दो आरोपी ओम प्रकाश उर्फ दद्दू चौधरी और कमलेश चौधरी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ के बाद पता चला कि आरोपी पहले मोटरसाइकिल की रेकी करते थे, उसके बाद वाहन चुराते थे। तो वाहन क्रमांक CG17D0398 बोलेरो जंगल के पास सिरपुर जंगल के पास आम रोड के बगल में खड़ी मिली और आरोपी कमलेश सनाब सुखी राम चौधरी, ये मेन टोला का है, यह मिला। इसके कब्जे से एक पल्सर मिली थी जो इस बोलेरो चोरी में जिसका सहयोग लिया गया था। और इसके बाद आरोपी ओम प्रकाश दद्दू चौधरी जो ऊर्जा नगर बिजली का निवासी है, इसके कब्जे से ही मोटरसाइकिल MP18MA3108 जब्त की गई थी, जिसका भी उपयोग इस वाहन को चोरी करने में, रैकी करने में, जाने में आने में, और एक वाहन जो पल्सर है जिसका क्रमांक ये 18MA3108 है, इसकी चाबी से इस चोरी की गई बोलेरो गाड़ी में उसकी चाबी लगा के एनकर प्रकरण स्टार्ट करके ये वाहन चोरी किए थे। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में एक आरोपी अर्जुन चौधरी अभी भी फरार है। पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज, अनूपपुर।